नमस्कार दोस्तों, मैं प्रवेश शाही एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पे आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको ये बताऊंगा कि CUET के थ्रू जो इस बार का एंट्रेंस एग्जाम होगा, खास करके BFA का, क्योंकि हम अपने चैनल पे स्पेशली फाइन आर्ट्स से रिलेटेड बातें करते हैं। तो जो CUET के तहत BFA कोर्स का एग्ज़ाम होने वाला है, जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा, उसका जो सिलेबस होता है, यानी कि किसके अकॉर्डिंग आपका जो क्वेश्चन होंगे, किस सिलेबस के अकॉर्डिंग आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इस वीडियो में मैं आपको जो सिलेबस बताऊंगा वो ऑफिशियली NCERT की तरफ से जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जो सिलेबस जारी किया गया है, उस ऑफिशियल सिलेबस की बात करूंगा। और आखिरी में मैं आपको बता दूंगा दोस्तों कि ये सिलेबस आपको कहां से डाउनलोड करना है। तो सिंपली आपको मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए सीधे ले चलता हूँ उस सिलेबस की तरफ। और आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि मैं पिछले प्रीवियस ईयर्स के जितने भी कई यूनिवर्सिटीज़ के क्वेश्चन पेपर, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर जो है BFA के लिए, वो ऑलरेडी नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आप चाहें तो वहाँ से उसको परचेस करके, मामूली सा पेमेंट करके आप उसको पढ़ सकते हैं और अपनी तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। ये जान सकते हैं कि पिछली बार जितने भी एंट्रेंस एग्जाम हुए हैं उसमें किस तरह का क्वेश्चन आया था। और खासकर कि हमेशा अक्सर ये देखा गया है कि BFA के लिए या फिर MFA के लिए जितने भी फाइन आर्ट्स के इंस्टीट्यूट या फिर कॉलेज होते हैं, उनमें जितने भी क्वेश्चन आते हैं वो बार बार रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं। तो आप इतना मान के चलिए कि बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो आपको मतलब जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है उससे काफ़ी मिलता जुलता होगा। तो कोशिश करिए आप उन सबको डाउनलोड करें और अच्छे से उसको पढ़ें, क्योंकि वो सभी ज़्यादा हेल्प करेगा आपको आपके एंट्रेंस एग्जाम के लिए। सो दोस्तों, अब हम चलते हैं अपने ऑफिशियली नोटिफिकेशन या ऑफिशियल सिलेबस की तरफ, जो कि BFA फाइन आर्ट्स से रिलेटेड सिलेबस है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो सिलेबस है ऑफिशियल सिलेबस है, उसकी तरफ आगे बढ़ चुके हैं। और यहाँ आप देख सकते हैं इसमें लिखा हुआ फाइन आर्ट्स 312, ये कोड है इस पेपर का। और नीचे आप देखेंगे तो यहाँ पर लिखा गया है पेंटिंग, स्कल्पचर, ग्राफिक एंड कॉमर्शियल आर्ट, यानी कि ये जो कैटेगरी है इसमें 4-5 कैटेगरी आपको दिया गया है। इस तरह का जो क्वेश्चन आएगा फाइन आर्ट्स रिलेटेड, उसके बाद आप नीचे देखेंगे तो सिलेबस ऑफ क्लास 12th, यानी कि जो NCERT की तरफ से इस बार कहा गया है कि 12th के बेस पे जो एग्ज़ाम होगा वो सभी UG के एग्ज़ाम होंगे। तो यही आपको यहाँ पर भी देखना है सिलेबस के अकॉर्डिंग, यानी कि जो 12th का सिलेबस है उसी के अकॉर्डिंग NCERT बेस्ड का जो क्वेश्चन है वो उसमें दिया गया है। नीचे चलते हैं दोस्तों, नीचे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है, अगर आप पेज के ऊपर देखेंगे नोट करके यहाँ पर, देर विल बी वन क्वेश्चन पेपर विच विल हैव 50 क्वेश्चन आउट ऑफ विच 40 क्वेश्चन नीड टू बी अटेम्प्ट, यानी कि आपको सिर्फ 40 क्वेश्चन करने हैं। 50 क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे जिसमें से आपको सिर्फ 40 क्वेश्चन करने होंगे, यानी कि 10 क्वेश्चन जो है वो आपको करने ही नहीं होंगे। कुछ इस तरह से आप समझिए कि जो शुरुआत के आपके 50, मान लीजिए आप 40 क्वेश्चन से ज़्यादा करते हैं, तो 40 क्वेश्चन से अगर मान लीजिए आप ज़्यादा करते हैं, तो जो शुरुआत में आप 50 क्वेश्चंस के पहले जो 40 क्वेश्चंस आएंगे शुरुआत से, यानी कि पहले से लेके जो 40 क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किए हैं उसी 40 क्वेश्चन को काउंट किया जाएगा। अगर आप उससे ज़्यादा करते हैं तो उसका काउंट नहीं किया जाएगा। अब नीचे अगर देखते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे आप पेंटिंग के लिए देखेंगे, यहाँ पे 4 तरह के यूनिट दिए गए हैं। एक मिनट, मैं आपको अच्छे से दिखा देता हूँ। इसमें ये देखिए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 4 तरह के यूनिट इसमें दिए गए हैं पेंटिंग। द पहले अगर यूनिट की बात करें जिसमें दिया गया है द राजस्थानी एंड पहाड़ी स्कूल ऑफ मिनीचर पेंटिंग, ये पहला है। दूसरा यूनिट में अगर देखें तो द मुगल एंड डेक्कन स्कूल ऑफ मिनीचर पेंटिंग। तीसरे यूनिट में द बंगाल स्कूल एंड कल्चरल नेशनलिज्म। चौथे यूनिट में अगर देखें तो द मॉडर्न ट्रेंड्स इन इंडियन आर्ट्स। यही 4 तरह के इसमें यूनिट्स दिए गए हैं। अगर पहले यूनिट की बात करें तो पहले यूनिट में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर दिया गया है, पहले यूनिट में, एक मिनट, यहाँ पर पहले यूनिट में दोस्तों ये बताया गया कि द राजस्थानी एंड पहाड़ी स्कूल्स ऑफ मिनीचर पेंटिंग 16th सेंचुरी AD टू 19th सेंचुरी AD तक का, यानी कि 16वीं सदी से लेके 19वीं सदी तक के जो भी इसमें इसके अंतर्गत जो भी पेंटिंग्स आते हैं उसको आपको पढ़ना है, इंक्लूडिंग टू इंडियन मिनीचर स्कूल्स। इंडियन मिनीचर स्कूल्स अगर इस वाली लाइन को आप पढ़ेंगे तो इसमें आपको दिया गया है वेस्टर्न इंडियन, पाल, राजस्थानी, मुगल, सेंट्रल इंडिया और डेक्कन एंड पहाड़ी। इस तरह का आपको इसमें पहले यूनिट वाले में पढ़ना है, याद करिएगा। देखिए यहाँ पर पहला यूनिट इस तरह से दिया गया, इसको थोड़ा सा डिस्क्राइब करके यहाँ पर आपको बता दिया गया है। फिर उसके बाद अगर आप नीचे देखेंगे ए वाले में द राजस्थानी स्कूल के अंतर्गत जितने भी आपको इसमें दिए गए हैं, तो इसमें आप अगर नीचे देखेंगे ओरिजिन वगैरह इसमें देखेंगे तो आप नीचे देखेंगे इसमें मेवाड़ बूंदी बीकानेर किशनगढ़ एंड जयपुर एंड द मेन फीचर ऑफ राजस्थानी स्कूल्स, ये वाला, यानी कि आपको यहाँ ये जो यूनिट है इस वाले यूनिट को जितने भी सिलेबस के अकॉर्डिंग जो भी आपके टॉपिक होंगे इस वाले टॉपिक को आप कवर करेंगे। टॉपिक के अंतर्गत क्या क्या आपको पढ़ना पड़ेगा वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसको डिटेल में पढ़ने के लिए आपको मेवाड़, बूंदी, बीकानेर, किशनगढ़ एंड जयपुर वगैरह दिए गए हैं, इसको आप पढ़ेंगे अच्छे से। उसके बाद अगर आप देखेंगे सेकेंड वाले में, यहाँ पर स्टडी ऑफ द फॉलोइंग राजस्थानी पेंटिंग्स,
तो राजस्थानी जो पेंटिंग्स हैं दोस्तों उसके बारे में आपको पढ़ना होगा। जैसे यहाँ पर आप देखेंगे इस तरफ से पेंटिंग्स लिखे हुए हैं, इस तरफ कौन से स्कूल का आपको ये पेंटिंग है उस तरह से आपको दिया गया है, इस तरह से आप इसको देख सकते हैं। और साहिब दिनिया देखेंगे मेवाड़ स्कूल का है, तो इस तरह से आप इसमें देख सकते हैं। नीचे की तरफ अगर आप आगे बढ़ेंगे तो इसमें आप ये टोटल जो पेंटिंग्स है और जो उसके मेन पेंटिंग्स हैं जिस जिस स्कूल्स के हैं वो दिए गए हैं। उसके बाद अगर आप आगे की तरफ बढ़ते हैं तो वही यूनिट ए और उसके बाद यूनिट यहाँ बी में देखेंगे तो यहाँ पे पहाड़ी स्कूल है। इसका ओरिजिन अगर आप देखेंगे इसको और अच्छे से डिस्क्राइब करेंगे तो इसमें आपको दिया गया है बसोहली गुलेर कांगड़ा स्कूल इन ब्रीफ इन मेन फीचर ऑफ पहाड़ी स्कूल। ये देखिए मेन फीचर्स आपको दिए गए हैं, इसी के अंतर्गत आपको और भी पढ़ना है। और नीचे अगर पहाड़ी से रिलेटेड देखेंगे तो टाइटल सेट प्रिंटर यानी कि ये भी जितने भी चीज़ें यहाँ पर दिए गए हैं यहाँ पर आप देखेंगे तो ये इसके जो इसमें जो पेंटिंग्स बने हैं कौन से स्कूल की पेंटिंग है बसोहली गुलेर कांगड़ा फोक ये सब आप इसमें नीचे देख सकते हैं। ये रहा दोस्तों आपका सिलेबस, इसके अकॉर्डिंग आपको आपको मतलब फाइन आर्ट्स का जो एंट्रेंस एग्जाम देना होगा वो पढ़ाई करना होगा। उसके बाद मैं बताता हूँ कि मान लीजिए कोई यूनिवर्सिटी ये बोलती है कि आपको जनरल टेस्ट या फिर लैंग्वेज का टेस्ट देना होगा तो वो यूनिवर्सिटी के हिसाब से उसका सिलेबस आप अलग से डाउनलोड कर सकते हैं। उसका सिलेबस कहाँ से डाउनलोड करना वो मैं आपको आगे बता दूंगा। अकॉर्डिंग टू फाइन आर्ट्स अगर आपको यूनिवर्सिटी से ये बोला जा रहा है कि आपको सिर्फ डोमेन सब्जेक्ट का डोमेन सब्जेक्ट ही एंट्रेंस में देना है तो आपको ये डोमेन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ये फाइन आर्ट्स का पूरा आपको सिलेबस यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप चाहें तो वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और आगे बढ़ते हैं यूनिट टू में। यूनिट टू में अगर आप देखेंगे दोस्तों तो यूनिट टू में आपको मुगल वगैरह का दिया गया है मुगल एंड डेक्कन स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग्स 16वीं सदी से लेकर 19वीं सदी तक ये भी है दोस्तों। और मुगल स्कूल ऑफ पेंटिंग अगर आप देखेंगे यहाँ पर नीचे इसमें आपको पेंटिंग्स दिए गए हैं किस स्कूल का है यानी कि किसके काल में बना हुआ है तो अकबर वगैरह पेंटर्स जो भी यहाँ पर दिए गए हैं ये भी चित्रकार जो हैं इनके बारे में भी आप अच्छे से पढ़ के जाएंगे। इसी तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। नीचे अगर आप देखेंगे तो यहाँ तक आपको दिया गया है कबीर रैदास वगैरह यूनिट टू में ही दिया गया है ये सब यूनिट टू में ही। नेक्स्ट अगर आगे बढ़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे हम यूनिट टू का जो दूसरा है वो है डेक्कन स्कूल ये वाला है ठीक है। यहाँ पर अगर आप नीचे देखेंगे तो डेक्कन स्कूल के अंतर्गत कौन कौन सी पेंटिंग्स कौन कौन से वगैरह आपको कौन कौन से जगह आपको पढ़ना है तो इसमें आप देख सकते हैं स्टडी फ्रॉम फॉलोइंग डेक्कन पेंटिंग्स तो इस तरह से आप इसको भी देख सकते हैं। और जितने भी ये सिलेबस के अकॉर्डिंग जो भी टॉपिक आपको दिए जा रहे हैं इन टॉपिक के बारे में आप अच्छे से पढ़ के जाएँ। आपको कई बुक्स के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप चाहें तो उनमें से कोई एक खरीद के आप अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं। और उसके साथ साथ क्वेश्चन पेपर जैसा कि मैंने बताया कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर आप ले सकते हैं नीचे से डाउनलोड करके आप अच्छे से पढ़ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में सब कुछ दिया गया है। और प्रैक्टिकल के लिए किस तरह के क्वेश्चन प्रैक्टिकल के लिए क्या आएंगे दोस्तों वो भी मैं अभी आपको इस वीडियो में बता दूंगा किस तरह से आपसे क्वेश्चन किए जाएंगे जो कि 2021 में अगर बात करें 2021 में किस तरह से क्वेश्चंस किए गए थे आई होप कि आप सभी को पता होगा। प्रस्पेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस आए थे, इस बार का क्या किस तरह से आएगा वो भी मैं आपको अभी इस कुछ देर में बता देता हूं। और इसके बाद बात करते हैं यूनिट थ्री, ये रहा यूनिट थ्री। यूनिट थ्री के अंतर्गत आपको द बंगाल स्कूल एंड कल्चरल नेशनलिज्म इस टाइप के क्वेश्चन इस टाइप के टॉपिक जो है वो दिए गए हैं। और इसमें भी अगर आप नीचे देखेंगे तो स्टडी वगैरह ये सब यहाँ पर जो है ये आपको पढ़ना होगा। बंगाली स्कूल ऑफ आर्ट जो है वो किस तरह से आप मतलब कौन कौन से कलाकार उसमें आते हैं उस तरह की चीज़ें आपको पढ़ना है। जैसे राजा रवि वर्मा का भी नाम इसमें दिया गया है लेकिन अगर आप बात करें तो रवींद्रनाथ टैगोर से स्टार्ट होता है बंगाली स्कूल ऑफ आर्ट। रवींद्रनाथ टैगोर नंदलाल बोस एम ए आर चुगदाई और गगनेन्द्रनाथ टैगोर जामनीरा रवींद्रनाथ टैगोर अमृता शेर के नंदलाल बोस और चितेंद्रनाथ मजुमदार एम ए आर चुगदाई और रामगोपाल विजयवर्गीय इस तरह की चीज़ें इन सबके आर्टिस्ट के बारे में आपको पढ़ के जाना होगा। साथ ही साथ इनके कौन कौन से पेंटिंग्स हैं वो आप यहाँ देख सकते हैं, इस तरह की चीज़ें आपको इनके बारे में कुछ पेंटिंग्स और इनके बारे में इनका डेथ वगैरह या इनका डेट ऑफ बर्थ वगैरह ये सब आपको अच्छे से पढ़ के जाना होगा। ये यूनिट थ्री का क्वेश्चन था। उसके बाद अगर आप बात करें तो यूनिट फोर में क्या दिया गया दोस्तों, तो यूनिट फोर यहाँ रहा ये रहा तो द मॉडर्न ट्रेंड्स इन इंडियन आर्ट्स किस तरह का जो इसके नीचे से आपको सीरियल नंबर और यहाँ पे पेंटर्स उनके पेंटिंग्स दिए गए हैं जो मॉडर्न आर्ट है दोस्तों उसके बारे में अगर देखें एक मिनट तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इस तरह से आपको एम एफ हुसैन के हब्बर एन एस बंद्रे जी आर संतोष के जी एस पानीकर इन सभी के बारे में आपको पढ़ के जाना है और इन सभी की पेंटिंग्स के बारे में आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। उसके बाद स्कल्पचर की बात करें कौन कौन से स्कल्पचर हैं और उनकी कौन कौन सी महान कलाकृतियां हैं जो उसके स्कल्पचर कौन कौन से स्कल्पचर के कौन कौन से स्कल्पचर्स हैं जैसे कि ट्रम्प ऑफ लेबर डी पी राय चौधरी द संथाल फैमिली राम किंकर बैज इन सभी के बारे में और इनकी कुछ मूर्तियों के बारे में आपको अच्छे से पढ़ के याद करके जाना होगा। उसके बाद
ग्राफिक या प्रिंट्स के तहत जो भी आर्टिस्ट और उनकी जो भी कलाकृतियाँ हैं उनके बारे में भी आपको अच्छे से पढ़ के जाना होगा। तो कुछ इस तरह के दोस्तों इसमें सिलेबस दिया गया है। अब क्योंकि दोस्तों इस वाले CUET के एग्ज़ाम में आपको कहीं भी मटेरियल मेथड का सिलेबस नहीं दिया गया है। मटेरियल मेथड या टेक्निक जो होता है दोस्तों, जैसे कि मान लीजिए आपको वाटर कलर के बारे में, ऑयल कलर के बारे में और उसके अलावा जो टेक्निक्स होते हैं, जैसे इम्पेस्टो टेक्निक इसको बोला जाता है, प्रिंट मेकिंग में इम्पेस्टो, प्रिंट मेकिंग एचिंग चीजिंग क्या है, उसके अलावा फ्रेस्को सेको फ्रेस्को बुने, ये सब क्या चीज़ें होती हैं, तो इन सभी चीज़ों को इसमें इंक्लूड नहीं किया गया है। तो अब क्योंकि दोस्तों इसमें इंक्लूड नहीं किया गया तो हो सकता है आपको वो चीज़ें ना पढ़नी हो, लेकिन मेरे ख्याल से आपको कुछ भी हैं जो थोड़ी थोड़ी आर्ट से रिलेटेड चीज़ें हैं वो भी टच करके क्वेश्चंस किए जाएंगे, क्योंकि वो सभी काफ़ी मामूली से और काफ़ी अहम क्वेश्चंस होते हैं। जो भी मटेरियल मेथड के थोड़े बहुत क्वेश्चंस होते हैं उन सबको भी अगर आप जहाँ से इकट्ठा कर पाएँ उन सबको भी अच्छे से पढ़ पाएँ। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको कई बुक मिल जाएंगे, वहाँ से आप डाउनलोड करके उसको पढ़, डाउनलोड नहीं आप, हाँ लिंक मिल जाएंगे, आप अमेजन पे जाके उसका डाउनलोड का लिंक मतलब ख़रीद के उसके बाद अपनी तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। और जैसा कि मैंने कहा कि मटेरियल मेथड इसमें नहीं दिया गया है, लेकिन फिर भी आप थोड़ा बहुत उसमें पढ़ के जाइएगा। बताता हूँ इसको डाउनलोड कहाँ से करना है। तो सिंपली आप कहाँ चले जाना है दोस्तों, आपको सबसे पहले अपने गूगल पे चले जाना है। गूगल पे आपको सबसे पहले cuCET.summer.ac.in पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको ऑफिशियली पेज पे चले जाना है। एक मिनट मैं आपको दिखा देता हूँ, ये थोड़ा सा इस तरह से। तो यहाँ पर अगर आप चले जाएंगे CUET UG 2022, ये CUCET के ऑफिशियल वेबसाइट पे आप चले जाएंगे। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 2-3 यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर दिया गया है। हम नीचे वाले पे क्लिक करेंगे, यानी कि इस वाले पे सीधा आप चले जाएंगे। इन्फॉर्मेशन बुलेटिन आप पहला नंबर का देखेंगे, यहाँ पे इन्फॉर्मेशन बुलेटिन, सिलेबस, यूनिवर्सिटी एप्लीकेशन गाइड और ये सब कॉन्टेक्ट ये सब दिए गए हैं। आपको कौन कौन सी यूनिवर्सिटी CUET के तहत अपना एग्जाम करवा रही हैं, कौन कौन सी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, आप उसको क्लिक करके यहाँ पे देख सकते हैं। बात करें सिलेबस की तो सिलेबस का ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है दूसरे नंबर पर, तो सिलेबस को हम यहाँ पर क्लिक करेंगे। एक मिनट, ये रहा सिलेबस। और सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको कौन कौन से सब्जेक्ट के लिए, कौन कौन से एंट्रेंस एग्जाम के लिए आपको कौन कौन सी सब्जेक्ट, कौन कौन से सिलेबस डाउनलोड करें आप यहाँ देख सकते हैं। जैसे कि अकाउंटेंसी का ये PDF आप डाउनलोड कर सकते हैं, पहला वाला में दिया गया, दूसरा एग्रीकल्चर का दिया गया है, एंथ्रोग्राफी और उसके बाद आर्ट एजुकेशन स्कल्पचर का दिया गया। देखिए दोस्तों यहाँ पर एक मिनट, सिलेबस उसके बाद पहला, दूसरा, तीसरा, ये चौथा, चौथे नंबर पे आपको दिया गया है आर्ट एजुकेशन एंड स्कल्पचर। ये यहाँ पर फाइन आर्ट्स नहीं लिखा हुआ है, तो आप ये मत समझिएगा कि फाइन आर्ट्स से रिलेटेड नहीं है, क्योंकि इसमें ढेर सारे मैंने खोज रखे हैं, इसमें कहीं फाइन आर्ट्स लिखा नहीं है, आर्ट एजुकेशन स्कल्पचर ही लिखा है। जब आप PDF डाउनलोड करेंगे तो वही PDF मिलेगा आपको, जो मैंने PDF आपको भी दिखाया है। कहाँ से डाउनलोड करता है ये मैंने आपको भी बता दिया। अब बात करते हैं दोस्तों कि मान लीजिए कोई यूनिवर्सिटी ये बोल रही है कि आपको उस यूनिवर्सिटी के लिए जनरल टेस्ट देना होगा या फिर उस यूनिवर्सिटी के लिए आपको लैंग्वेज का टेस्ट देना होगा, तो यहाँ पर लैंग्वेज का भी यहाँ पर आपको वो मिल जाएगा सिलेबस। देखिए यहाँ पर लैंग्वेज का दिया गया है, ये लैंग्वेज 1A और 1B दोनों दिया गया है इसमें। डाउनलोड PDF करेंगे आप, डाउनलोड पे क्लिक करेंगे, सिंपली आप डाउनलोड करके उसके सिलेबस को देख सकते हैं। और जैसा कि मैंने कहा उसके बाद जनरल टेस्ट का दोस्तों उसमें तो खुद ही लिख दिया गया है कि आपको किस किस चीज़ों से पूछा जाएगा। मान लीजिए 8th के सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको मैथ और रीजनिंग वगैरह पूछा जाएगा, तो जनरल टेस्ट उसी के अंतर्गत आ जाएगा। आपको क्या पढ़ना है उसमें पहले से ही CUET के वेबसाइट पर वो नोटिफिकेशन जो पहला आया था उसमें दिया गया था। अब हाँ, जैसे कि मैं आपको बता रहा था, मान लीजिए अगर आपको कोई यूनिवर्सिटी ये बोलती है कि आपको लैंग्वेज का टेस्ट देना है तो आपको यहाँ से लैंग्वेज वाला सिलेबस डाउनलोड करके लैंग्वेज को भी पढ़ना होगा। अगर आपको सिर्फ डोमेन सब्जेक्ट का पढ़ना है, फाइन आर्ट्स के लिए अगर डोमेन सब्जेक्ट का ही सिर्फ पढ़ना है, तो आपको सिंपली यही आर्ट एजुकेशन वाला जो चौथे नंबर का जो है, सिर्फ ये वाला आर्ट एजुकेशन स्कल्पचर वाले पे यहाँ पर भी PDF डाउनलोड करेंगे। यहाँ से डाउनलोड करते ही आप उसके सिलेबस को देख सकते हैं जो अभी मैंने आपको दिखाया है। ओके दोस्तों, आई होप कि दोस्तों अभी तक आप समझ गए होंगे कि इसमें किस तरह से आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग क्या क्या एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाएंगे। अब बात करते हैं दोस्तों आपको आपके प्रैक्टिकल एग्जाम से रिलेटेड किस तरह के टॉपिक आपको दिए जाएंगे, तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो दोस्तों अभी जो आप देख रहे हैं ये BHU के ऑफिशियल जो UET का फाइनल बुलेटिन है जो इस बार का, ये आपको इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये BHU के ऑफिशियल साइट से आप डाउनलोड कर सकते हैं, BHU ऑनलाइन से। और अगर आपको ज़्यादा नहीं मतलब पढ़ना है, जो मेन चीज़ें हैं उसको मैं अगर आपको बताऊँ, तो पेज नंबर 35 पे आप चले जाएंगे। यहाँ पर आप देखेंगे इसमें सेक्शन नंबर, ये जो प्रोसीजर फॉर प्रैक्टिकल टेस्ट जो लिखा हुआ है, इस वाले सेक्शन पे आप देखेंगे यहाँ पर, तो बी नंबर पे आप देखिए सीधा। आपको ज़्यादा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं, मेन चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ किस सिलेबस के अकॉर्डिंग आपका जो प्रैक्टिकल का एंट्रेंस एग्जाम होगा वो किस तरह से होगा। तो प्रैक्टिकल टेस्ट विल बी
ऑफ 2 आवर्स, यानी कि 2 घंटे का टेस्ट आपका होगा। उसके अलावा आपको इसमें 400 नंबर की मार्किंग की जाएगी, 400 नंबर उसमें मिलेंगे। उसके अलावा आपको यहाँ पर देखना है अंडरस्टैंडिंग, इमेजिनेशन, 1 मिनट, एक्सपेक्टेड ऑफ, नीचे की तरफ अगर आप देखेंगे यहाँ से, नीचे की तरफ अगर आप देखेंगे तो यहाँ से आप देखना चलेंगे एस्पेक्ट ऑफ इमेजिनेशन, विजुअलाइजेशन, क्रिएटिविटी, इनोवेशन इन कंजक्शन विथ द अंडरस्टैंडिंग ऑफ, विथ द अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्रस्पेक्टिव, स्केल, डेप्थ, लाइट एंड शेड, प्रपोर्शनिंग इन एनी मीडियम। आप किसी भी माध्यम में, यानी कि किसी भी मीडियम में आप कर सकते हैं, जिसमें आप पेंसिल, कलर पेंसिल, पेस्टल, क्रियॉन, वाटर कलर, पोस्टर कलर या ETC ऑयल कलर, जिसमें भी आप चाहें, इसमें सभी मीडियम्स आपको दे दिए गए हैं। यहाँ से अगर आप देखेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक साफ साफ लिखा गया है इन एनी मीडियम यू कैन यूज़, यानी कि पेंसिल, कलर पेंसिल, पेस्टल, क्रियॉन, वाटर कलर, पोस्टर कलर, कोई भी कलर आप कर सकते हैं। किस तरह से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे यहाँ से अगर आप देखेंगे, इमेजिनेशन, विजुअलाइजेशन, क्रिएटिविटी, इन्वेंशन इन कंजक्शन विथ अंडरस्टैंडिंग प्रस्पेक्टिव, यहाँ से देखिए, प्रस्पेक्टिव, स्केल, डेप्थ, लाइट एंड शेड, प्रपोर्शनिंग, इसी तरह की चीज़ें आपको, मतलब इन सब चीज़ों को ध्यान में रख के आपसे जो क्वेश्चंस होंगे, जो प्रैक्टिकल के टॉपिक होंगे, वो सभी टॉपिक आपको दिए जाएंगे। उसके अलावा अगर आप चाहें तो आप मेरे चैनल पे प्रीवियस ईयर के जो जितने भी प्रैक्टिकल के टेस्ट हुए हैं, उसमें किस तरह का कौन सा टॉपिक दिया गया, वो भी आप देख सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक मैं आपको दे दूंगा। ओके, फिलहाल के लिए दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा ना उज्जवल लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करके बताइएगा आपको कैसा लगा। साथ ही साथ अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पेंसिल विद प्रवीश पे फॉलो करके कुछ भी इंट्रेंस रिलेटेड पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।